वर्धा की, जहां पर सरकारी भूमि पर लगातार कब्जा किया जा रहा है, वहीं पंडरिया स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर बीजेपी नेता धर्मेंद्र सिंह ठाकुर ने लगभग 600 फुट कीमती जमीन पर कब्जा कर दो मंजिला मकान बना लिया है। दरअसल पंडरिया हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी जमीन को सुरक्षित करने के लिए बाकायदा बाउंड्री वॉल भी बनाई गई है, लेकिन जमीन खोरों ने बाउंड्री वॉल को तोड़कर पहले तो सरकारी भूमि पर कब्जा किया, उसके बाद दो मंजिला मकान भी बना लिया। प्रशासन के आला अफसरों को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया और न ही जमीन को सील किया गया है। अधिकारी मामले को जिला प्रशासन के पास होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, उसके बाद ही उचित कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जानकारी मिला कि ये स्टाफ क्वार्टर का निर्माण उन्हीं के द्वारा हुआ था और पहले वहाँ पर सामान रखने के लिए एक सेट के माध्यम से वहाँ पर तैयार किया था, सेट तैयार किया था और उसमें सामान रखता था और जैसे निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तो वहाँ पर जो है दो मंजिला मकान तैयार किया। हॉस्पिटल में कब्जा किया गया था, जिला प्रशासन की तरफ से उसको हटाने का आदेश भी हुआ है, संबंधित कमिश्नर के यहाँ अपील कर दिए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बुला लिया है, इसकी पूरी स्थिति को अध्ययन करने के बाद इसमें फिर जो सही होगा वो कर।